बारिश हो रही है इस टाइम पे कसके, और हमारे घर में लगे पड़े हैं सारे फोन में, अपने अपने फोन में बिजी है इस टाइम पे। देखिए आनू भी बिजी है, मुझे मालूम क्या खट्टी चीज अच्छी लगती है, मैं कड़ी बनाऊं या फिर आलू की सब्जी। चलो चलो मौसी लेट हो जाएगी, आ जाओ मेट्रो पे। मेरा फोन पकड़ने से सभी को डर लगता है, नया फोन है ना इसलिए। खुशी कह रही है मौसी मुझे डर लग रहा है आपका फोन पकड़ते हुए है। और मैं अपना फोन इतना संभाल के रखती हूँ क्योंकि अब की बार मैंने फोन लिया काफी महंगा फोन लिया। अभी तक जो मैंने लिए थे, अभी तक मैंने जो फोन लिए थे वो लिए थे 20,000 तक का लिया था, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा सा महंगा फोन लिया है तो इसको मैं ना इतना संभाल के रखती हूँ अपने अयान से, खासकर मैं उसको देती नहीं हूँ खोलने तो काफी संभाल के रखना पड़ता है। तो खुशी हाथ में नहीं पकड़ रही है, कह रही मौसी अगर गिर गया तो। तो मैं बना रही हूँ चाय और मैंने अपना जो ब्लॉग है वो भी शुरू कर लिया है, अभी मैंने करा है इवनिंग के 8 बज रहे हैं रात के। क्या हुआ यस, मलाई तो मोटी पड़ गई है लेकिन दूध में नहीं हाथ नहीं डाला जा रहा है, इतना ठंडा है बर्फ की तरह रखा है। अच्छा दूध ही दूध डाला है, बहुत ठंडा है ऐसा लग रहा है। सर्दी शुरू हो गई है तो जब मैं चाय बनाती हूँ तो मैंने ये कूट के रखी हुई है काली मिर्च, तो मैं हर बार चाय में डालती हूँ। थोड़ी डाला, क्यों ज्यादा लगती है? ज्यादा लगती है क्योंकि इससे ना गला सही रहता है, गला खराब नहीं होता है जल्दी से। अब ऐसे भी इसे खांसी है इसको तो फ्रिज में रखा ना, तो गला सही रहता है। अदरक के साथ साथ काली मिर्च भी डाल दो। कितनी चीनी पड़ी है? 4 चम्मच, 1 चम्मच और डाल। क्या ना कॉफी बनाती रही ना तो वही आदत पड़ गई है मुझे, क्योंकि कॉफी तो बिल्कुल सीटी बनाते हैं ना, तो कॉफी तो सीटी अच्छी लगती है लेकिन चाय बनाओ ना, चाय तो थोड़ी सी मीठी हो तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरी आदत पड़ गई है इन लोगों को मीठी चाय चाहिए। मौसी हाँ, 1 चम्मच खानी है। कितनी खानी है? 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच। मैंने चाय में 4 चम्मच चीनी डाली है तो कह रहा हूँ। 4 भी एक डाली ना अभी? नहीं 3 चम्मच पहले डाल दी थी मैंने। नहीं वो बोल रही थी कि मैं 12 बजे आ जाऊं पढ़ाने, और मैंने खाना बना के रख दिया क्योंकि कल्पना जा रही है और अभी है सुबह का टाइम तो उसको जल्दी निकलना था क्योंकि फिर हो जाता है ट्रैफिक का टाइम। तो मैंने सब्जी बना दी है, इधर दूध गर्म हो गया है और बाकी मैंने बना दी है पूड़ी बनाई है और बनाई है कचौड़ी। तो ये देखिए मैंने बना के खाना रख दिया है, पूजा कर ली है, नहा धो के रेडी हो गए हैं, बस अनु रह गया, उसको मैंने नहीं नहलाया अभी, उसको मैं बाद में नहलाऊंगी क्योंकि उसको खांसी हो रही है तो इस वजह से। तो मैं सबको देती हूँ खाना डाल के। आ गई कल्पना? तो फिर पैक कर दूं? फिर ये सब्जी तो रसी ली है, सब्जी कैसे ले जाऊंगी? हाँ सॉक्स उसमें रखे, पर्दा हटा के देखो अलमारी में होंगे, बोतल क्योंकि रसीली सब्जी है, सूखी सब्जी हो तो मठा के आलू फेमस है हम लोगों के। मेरे घर पे ना मठा के आलू सभी को अच्छे लगते हैं, कोई भी त्योहार हो या वैसे हो बनते ही रहते हैं, तो वही मैंने बनाए थे पूड़ी के साथ। मठा के आलू तुम्हारे हाथों के कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं हम लोगों को, मेरे हाथ के अच्छे लगते हैं। मुझे मालूम क्या खट्टी चीज अच्छी लगती है, चाहे मैं कड़ी बनाऊं या फिर आलू की सब्जी बनाऊं, तो जब तक लस्सी खट्टी ना हो तब तक मैं बनाती नहीं हूँ, और ये बनाती है थोड़ा ना खट्टा नहीं होता है ना, तो इनको मेरे हाथ के ज्यादा अच्छी लगते हैं, तो इसलिए मैंने बोला पूड़ी बना दो मठा के आलू और कचौड़ी। और कचौड़ी आयान को आजकल पता नहीं क्या हुआ, उसको कचौड़ी कर ली सब लोगों ने, तो कचौड़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी। तो ला मैं पैक कर दूं फिर। हां दिखाओ कितने आके दिखाओ, ऐसे नहीं करते हैं, इसमें तो बहुत चिप्स आ जाएंगे, डाल ले दिखाओ इधर, चॉकलेट भी आ जाएगी तुम्हारी तो, है ना?
धुआं भर गया। हाँ सब्जी तो सारी रखी है भरी। आने छोड़ने जा रहा है कुछ नहीं कपड़े है उसमें। खुशी आ जाओ इधर आ जाओ। आनु छोड़ने जा रहा है। आनु छोड़ने जा रहा है। हाँ। बड़ा हो जाएगा तब चला करेगा। स्कूटी पे बैठा रही है ना इसी से फिर स्कूटी चला करेंगे। और क्या है। और आनु फिर अब मेरे घर पे आना ठीक है। क्यों आनु गुस्सा हो गया। आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा। छुट्टियां होंगी तब आएंगे बोल दो। क्यों नहीं आएगा। तब आएंगे छुट्टी। चलो दे तो दिया। चलो मौसी लेट हो जाएगी। आ जाओ मेट्रो पे अब छुट्टी पड़े। मम्मी तो यही रहेगी। मम्मी कहाँ जाएगी। धूप नहीं आज। हाँ और क्या। बाय सच्ची में। अयान की मौसी ने पैसे दिए तो अयान ने गुस्से में लिए ही नहीं वापस कर दिए। कह रहा मैं नहीं ले रहा है। गुस्सा हो गया है कि जा क्यों रही हो। खाना खाना है बेटा। दूध बच गया तो निकल जाता। बारिश हो रही है इस टाइम पे कसके। और हमारे घर में लगे पड़े हैं सारे फोन में। अपने अपने फोन में बिजी है इस टाइम पे। देखिए आनू भी बिजी है। तीनों के तीनों बिजी हैं। मैं भी बिजी हूँ। मैं भी लगी हुई थी फोन में। लगे रहो ये बंद नहीं होंगे। बारिश हो रही है काफी तेज इस टाइम पे ना। बादल इतनी तेज गरज रहा है। तो ठंड हो गई थी। आज से मैंने अपना जो स्वेटर है वो निकाल दिया है। काफी ज्यादा ठंड हो रही थी। वैसे तो मैंने ना हल्की सी बिल्कुल पतली सी कुर्ती पहन रखी थी लेकिन ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर पहन लिया है। वैसे भी कल दिखा रही थी न्यूज में कि आज बारिश होगी तो सच में आज बारिश हो गई है। मालूम क्या था मैं जा रही थी बाजार जा रही थी क्योंकि जो मेरी अंदर सीनरी लगी हुई है ना तो दिवाली से पहले मैंने सफाई करी थी तो उसका जो ऊपर का ग्लास है ना कांच तो वो टूट गया था। तो भाई लगवाने जाना था तो मालूम क्या हुआ जैसे गेट से बारिश स्कूटी निकाली तो देखा बारिश हो रही थी तो वापस आ गए। तो फिर उसके बाद गए ही नहीं। घर मेरा बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है क्योंकि बच्चे दोनों चले गए हैं और वो थे ना तो अच्छा लग रहा था। घर ना एकदम भरा भरा सा लग रहा था। तो आनू मेरा आज उदास भी है सुबह से जब से वो गए हैं। जब से कोई आ जाता है ना तो अच्छा लगता है। और क्या था 2 दिन की छुट्टी थी उनकी स्कूल की तो इस वजह से आ गई थी। दिवाली पे हम लोग गांव चले गए थे तो आयान की दौज गोला था वो पूछ के रख दिया था आ नहीं पाया था तो इस वजह से खुशी आई थी देने के लिए। अब ऐसे टाइम लग नहीं पाता है क्योंकि दूर है उसका घर तो जल्दी से आ जा नहीं पाते हैं। तो घूम गई अच्छा लगा। और मैं जा रही हूँ अभी करती हूँ कल की तैयारी अयान के स्कूल की। तो उसके जो कपड़े हैं वो जा रही हूँ मैं प्रेस करके रख दूँ। बैग है वो भी उसका लगा के रख दूँ क्योंकि जब वो ट्यूशन पढ़ता है ना उस टाइम पे उसकी ना बुकें इधर उधर हो जाती हैं। और मैंने उनका बैग था वो भी धो दिया था तो उसका बैग मैं लगा दूँ तो सुबह की तैयारी कर दूँ। नहीं तो सुबह सुबह ना काफ़ी सारा काम हो जाता है तो ज़्यादातर काम मैं शाम को ही निपटा देती हूँ। तो बस वही करने जा रही हूँ मैं। तो चलिए आज का वीडियो है वो भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।